चलो मैं आपको एक और रेसिपी देती हूँ अपनी किचन से हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। हुआ क्या, काफी समय से मैंने योग नहीं किया और मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो ऐसे बॉडी ना अनकंट्रोल होने की कोशिश कर रही थी, फैल गई थी। ये यहाँ से ना ये यूं निकल निकल के बाहर आ गया था पूरा शरीर। ये आपको तब पता चलता है जब आपकी जीन आपको फिटना आ रही हो, या आपको ना अपनी कमी छुपाने के लिए ऐसे ऊपर से शर्ट डालनी पड़ रही हो लूज फिटिंग वाली। तो मैंने सोचा यार सुधरूंगी तो मैं हूं नहीं, वापिस से योगा वोगा करने की ना अभी फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वापस से करना शुरू करूँ टाइम निकाल के। यार जैसे सब आलसी होते हैं ना, मैं भी खुद बहुत आलसी हूँ। मैंने क्या किया, आज 12-13 दिन हो गए हैं, अपनी डाइट ही चेंज कर दी। पहले मैं नाश्ता नहीं लेती थी, अब मैंने नाश्ता लेना शुरू कर दिया है। तो नाश्ते में मैंने क्या किया है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी शुरू कर दी। वैसे तो बहुत लोग सोचेंगे कि हाई अगर प्रोटीन डाइट लेनी है तो जो मार्केट में आजकल मिलते हैं वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, ये सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनको मार्केट के लेने हैं। लेकिन अगर मार्केट से आप लेते हैं प्रोटीन डाइट तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि प्रोटीन के नाम पे कुछ भी कूड़ा कचरा चल रहा है। मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए, ये देखो, ये 10 बादाम है भीगे हुए। इनमें आपको पता ही है नेचुरल ऑयल होता है ओमेगा 3, जो कि हमारे स्किन और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यार फिर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि कैमरा कौन पकड़े, कोई आई नहीं अभी। तो ये 10 बादाम, ये मेरा छोटा सा मिक्सी का जार है, मैं बैक कैमरा कर लेती हूँ। ये मेरा छोटा सा मिक्सी का जार है, इसमें ये 10 बादाम गए। भाई कैमरा हिल रहा है, डोंट माइंड, आप कंटेंट पे ध्यान रखना, कोई कमेंट ना करे कैमरा हिल रहा है, फोकस नहीं बन रहा है। रुको मैं इसको स्टैंड पे लगाती हूँ। यार मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है किचन में वीडियो शूट करने में, कोई बात नहीं, कैमरे वैमरे की ना तुम ध्यान मत देना, फोकस बस ये देखना कि कंटेंट मिल रहा है तुम्हें। तो ये 10 बादाम है, पहले इनको हम पीस लेते हैं। ये देखो थोड़ा और पीस सकते हो आप इसको। और अब इसमें क्या करना है, ये है कच्ची मूंगफलियां, इनको भी लेना है एक मुट्ठी। भाई मेरा नाप यही है, मैं ऐसे ही एक एक मुट्ठी ही लेती हूँ, मुझे नहीं पता ग्राम प्राम वेट मशीन रखो किचन में, आजकल फैशन में है। भैया जितना सिंपल सादे रहोगे ना उतना ही बढ़िया है। ये ना थोड़े दुड़दुड़े रह जाएंगे, तो हमें क्या करना है, फिर थोड़ा सा दूध डाल के ना इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, बहुत बारीक हो जाती है। थोड़ा दूध मिलाएंगे अभी, रुकिए। और ये है एक मुट्ठी चने, ये चने, अब मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा दूध, पहले थोड़ा डालना है, जब हम थोड़ा डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। ये देखो अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मैं हमेशा बता चुकी हूँ अपनी कई वीडियोस में कि हमारे घर में चीनी यूज नहीं होती, या तो खांड होती है या फिर शक्कर। ये मैं डाल देती हूँ इसमें 2 चम्मच शक्कर, क्योंकि मैं बहुत मीठा खाती पीती हूँ, मुझे मीठे के बगैर नहीं चलता। मैंने अपनी रतौंधी वाली वीडियो में ये बताया था कि गेंदे के फूल विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स है, तो मैंने ये कल से यूज करना शुरू किया, कल पहली बार लिया है। 42 डेज इनको खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी आंखें हेल्दी और फिट रखनी है। ये देखो यार कैमरा काफी ऊपर है, मुझे पता नहीं चल रहा कि फोकस ठीक से आ भी रहा हो कि नहीं। तो ये है गेंदे के फूल, ये थोड़ा इसको सरका लेते हैं, शायद अब दिखाई देगा। तो इनकी मैं ले रही हूँ सिर्फ पंखुड़ियाँ। कोई भी अगर आप नुस्खा यूज कर रहे हैं ना, कॉन्सिस्टेंटली अगर आपने उसको 42 डेज यूज कर लिया तो आपकी बॉडी में वो हो ही नहीं सकता कि लगे ना,
सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप कोई भी उपाय कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई खाना पीना आपने चूज किया है कोई पर्टिकुलर, तो अपना फुल फ्लैश्ड असर दिखाने में और टिकने में, क्योंकि जब आप कोई असर कोई भी काम करते हो ना कि भाई कितने दिन टिकेगा इसका असर, तो अगर आपने निभा के कभी 42 डेज कोई चीज कर ली उसका बहुत समय तक असर रहता है। इसलिए मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि मैं योगा करती थी फिर छोड़ देती थी, करती थी कुछ फिर छोड़ देती थी, तो कभी ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बॉडी अनफिट हो गई है, क्योंकि जब भी मैं करती थी ना तो 1.5-2 महीने लगातार करती ही थी, तो उसका असर काफी समय तक मेरी बॉडी पे दिखता था, टिकता था। और देखो मुझे कितना टाइम हो गया योगा छोड़े हुए, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी काफी हद तक फिट बनी हुई है। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं आगे दौड़ पीछे छोड़, आज ये उपाय कल वो उपाय, जो भी आप उपाय करना शुरू करो लगातार कंटिन्यूस करो। ये मेरी कटोरी गई है भर, तकरीबन 7 फूल लिए मैंने यार, ये तो शायद दिख भी नहीं रहा था, पर पता नहीं चल रहा यार, बहुत ऊपर फोन है, पर तुम ये देख लो कि 7 फूल को मैंने निकाला है पत्तियों को, और मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। और मैं ये जो नुस्खा है गेंदे के फूल वाला, इसको मैं पूरे 42 डेज करने वाली हूँ। थोड़ा दूध और डालते हैं, और यार मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ, कोई भी काम करती हूँ तो ऐसे नहीं निपके करती, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई काम लगातार लगातार कर रहे हो तो हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, फिर वो उसे ना हल्के में लेने लगती है। जैसे कि कोई भी नुस्खा अगर आप लगातार यूज कर रहे हो तो उसको 3 महीने करके छोड़ दो, फिर कुछ महीने कुछ हफ्ते छोड़ के फिर दोबारा स्टार्ट कर दो, वरना क्या होता है बॉडी ना उसको इस तरह से नहीं लेती कि ये औषधि है, फिर वो उसको डेली डाइट के हिसाब से लेने लगती है और हमें उतना फायदा नहीं होता। तो अब ये पीने के लिए तैयार है। आप भी अगर चाहते हो कि आपकी बॉडी में मसल्स बने, फैट लॉस हो जाए और आपकी ओरल हेल्थ फिट रहे, आपकी आंखें, आपकी स्किन और पूरी बॉडी आपकी टोंड दिखे, तो आप ये नाश्ता करना शुरू कर दीजिए। और पीने के बाद ना भूख थोड़ी कम लगती है, तो ऑटोमेटिकली हम कम खाना खा पाते हैं लंच के टाइम पे, तो उसका भी ख्याल रखना। ये नहीं है कि आप इधर तो ये शेक पीते रहो और उधर अपना दबादब समोसे कचौरी और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। और अगर इस ड्रिंक के साथ यही 42 डेज 15 मिनट की एक्सरसाइज इंटेंस यूज कर लेते हैं, यानी भी आपकी तोंद हो, लव हैंडल्स हो, कमर मोटी हो, कुछ हो, सब अपने आप ठिकाने पे लग जाएंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे इसका फायदा आपको लगेगा, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने ये बताया था और हमारी बॉडी पहले से स्लिमर, टोंड, हमारी स्किन ब्यूटीफुल हो गई है, हमारी आंखों की हेल्थ सुधर गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और खूबसूरत रहे। बाय।